नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के बीच फिर से जो है कि एक फेस स्मूथ पर वीडियो लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि आदित्य भाई कितना ही तगड़ा अपना फेस स्मूथ करता है, एंड लिप वगैरह एंड जो भी बैकग्राउंड वगैरह आप लोग देख सकते हो, कलर ग्रेडिंग भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी है मतलब इस वीडियो में, इस फोटो में काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब ट्रिक लगा करके हम एडिट करते हैं, ठीक है। वही ट्रिक सोचता हूँ मैं आप लोग को बताऊँ, बट जो है कि आप लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हो। क्या मिस्टेक करते हो? वीडियो को स्किप करके चले जाते हो, एंड बीच में स्किप कर देते हो, छोटा छोटा पार्ट जो कि मिस कर दोगे, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग इस तरीके से आप लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज भाई आप लोग का वन, सिर्फ वन, ONE वन क्लिक में आप लोग को जो है कि आप लोग का भाई आप लोग को स्मूथ करके दिखाएगा, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट से, ठीक है। आज आपका आदित्य भाई कल ही बताया था जो है कि आप लोग को अच्छे तरीके से बहुत लोगों ने यूज किया, एंड बहुत लोग काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से जो है कि अपना स्मूथ करने लगे सिर्फ सिर्फ वन क्लिक में। आज फिर से जो है कि मैं दूसरा वेबसाइट लेकर के आ चुका हूँ, क्रोम पे चाहे कोई भी वेबसाइट पर जो है कि चाहे कोई भी ब्राउजर पर आप लोग ऐसा सर्च करके आप लोग चाहे तो वन क्लिक में अपना फेस स्मूथ कर सकते हैं। एंड देन गाइज आप लोग स्केच बुक, स्नैपसीड एंड लाइट रूम अप्लीकेशन में तो जाकर आप लोग थक गए हैं, एंड पिकार्ट अप्लीकेशन में, बट जो है कि आज आप लोगों को कुछ अलग कीजिए, अपने फोटो पर कुछ अलग तरीके से स्मूथनेस ले आइए, एंड जो है कि कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहा। चलिए और इसका ओरिजिनल पिक आप लोग हम दिखाते हैं। सो गाइज ये रहा ओरिजिनल पिक, आप लोग देख सकते हो जिसका ओरिजिनल पिक है, काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो गाइज चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करना हुआ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से शेयर पे क्लिक करके अपना जो भी ओरिजिनल पिक होगा वो जो है कि लाइट रूम अप्लीकेशन में सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना है, तो ऐड टू LR कर लीजिएगा, ठीक है। गाइज अपना फोटो देख सकते हो कि LR में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, कल जो मैं प्रीसेट दिया था ना वो टेलीग्राम चैनल पर अभी भी है, तो जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, एंड लाइट रूम में ऐड करके इसका 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेना, सिंपली राइट क्लिक करना है, बैक आना है, अपने फोटो पे जो है कि कलर ग्रेडिंग के लिए अपने फोटो पर पेस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही जो है कि आप लोग तगड़ा वाला स्मूथ कर सकते हो, और कोई ऐसा नहीं बता है, कोई भी भाई नहीं चाहता है कि आप लोगों अपना फेस स्मूथ हम लोग की तरह करें, लेकिन आदित्य भाई चाहता है कि आप लोग मेरे तरह से फेस स्मूथ करके और मेरे तरह से जो कि काफी ज्यादा फॉलोअर्स आप लोग पा सकते हो, ठीक है। और जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए वो फॉलो कर लीजिएगा, एंड देन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब यहां से आप लोग क्या करना है, शेयर पर क्लिक करके और सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइज देखिए जब भी आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाता है उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको जो है कि क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, या आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर होगा उसको जो है कि सिंपली आप लोगों को ओपन करना है। एंड देन ओपन करने के बाद देखिए आप लोग कुछ इस टाइप से सर्च बार पे क्लिक करके और आप लोग को देखिए मेकअप फोटो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है ना। मेकअप फोटो जो है ना, ये लिखा है ना मेकअप फोटो, आप लोग ऊपर सर्च बार में लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग देखिए मेकअप फोटो लिखा है ना, एकदम आसान तरीके से आप लोग देख लीजिए, एकदम यही सेम लिखीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, नीचे स्क्रोल करके आना है, नीचे स्क्रोल करके आना है, आते जाना है, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा ही नीचे आना है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो आइए आइए और आइए, ठीक है ना। और आप लोग को देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, अभी आप लोग हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा विजिबल लेब का, ठीक है ना। ये विजिबल लेब आप लोग को कोई आज तक बताया नहीं है कि इस विजिबल लेब एंड वेबसाइट में अपना जो है कि फेस स्मूथ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जो है कि आप लोग इस पर क्लिक करके और इस वेबसाइट को ओपन करना है, एंड देन ओपन होने के बाद को इस तरीके से कुछ इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग घबराना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग करना है। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा है कंटिन्यू इन ब्राउजर, ठीक है। तो कंटिन्यू इन ब्राउजर पे आप लोग को क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिर से जो है कि आप लोग को नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, एंड जैसे ही नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को नीचे की साइड छोटा कर लेना है, एंड नीचे की साइड देखिए आप लोग को इसकी व्रिंकलिंग स्मूथिंग, ठीक है। तो व्रिंकलिंग स्मूथिंग पर आप लोग क्लिक कर लेना इस पर, ठीक है। और आप लोग इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग सिंपली आप लोग क्या करना है, छोटा करना है, एंड छोटा करने के बाद आप लोग देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कैसे पहले है, एंड आप लोग को बाद में आप लोग को देखिए कैसा दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग क्या करना, देखिए आप लोग को नीचे के साइड आने के बाद आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा रेड्यूस व्रिंकल्स, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है, एंड इस पर क्लिक करने बाद देखिए आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक कर देना है, एंड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद आप लोग को मीडिया पिकर पर क्लिक करके अपने गैलरी से जो भी अपना फोटो सेव किए होंगे ना उस फोटो को सिंपली आप लोग को क्लिक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली देखिए मैं जो फोटो ऐड किया था, जो सेव किया था उस फोटो को सिंपली ऐड कर दिया, और यहाँ पे लोडिंग ले रहा है 70, 90, 100 हो गया, ठीक है। फिर से जो कि प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोसेसिंग ले रहा है, एंड प्रोसेसिंग लेने के बाद अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग को बन के रेडी हो जाए। देखिए यहाँ पे जो भी इफेक्ट लगा है ना वो
यहाँ पे लिंक आप लोग को दे देगा। एंड देखिए आप लोग को यहाँ पे साइड में ना आप लोग का फोटो बन के रेडी हो जाएगा, देखिए जो कि कितना शानदार तरीके से स्मूथ हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीके से, लाजवाब तरीके से स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा जूम नहीं होगा, इतना ही जूम होगा। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को, सी आप सी ओरिजिनल आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सी ओरिजिनल सी आप लोग देखिए नहीं दिख रहा, ठीक है ना। यहाँ से सिंपली आप लोग पहले फोटो को गैलरी में सेव करना है, उसके बाद ही आप लोग दिखेगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड सेव एंड शेयर पर क्लिक करके, और देखिए अभी आपका फोटो देखिए यहाँ पे जो है कि ओरिजिनल आप लोग को दिखने लगा, कितना अच्छे तरीके से जो है कि आप लोग को व्रिंकल करके स्मूथ करके दे दिया, और अच्छे तरीके से दे दिया, ठीक है ना। लाइट रूम वाला फोटो आप लोग दिखा रहे हैं, ये देखिए लाइट रूम वाला फोटो अभी आप लोग देख लीजिए, कितना कितना ही बेकार है, और जो है कि स्मूथ हुआ है वो देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना बेकार दिख रहा है ना स्क्रीन, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से जो है कि स्मूथ करके दे दिया। आप लोग देख सकते हो ये वेबसाइट में ही फोटो है, आप लोग बोलोगे आदित्य भाई झूठ बोलो, लेकिन ये वेबसाइट में ही फोटो आया है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो साथ ही साथ जूम हो रहा है, साथ ही साथ जूम इन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग का यहाँ पे आप लोग का जो भी होगा यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके, और आप लोग अपना फोटो जो है कि गैलरी में सेव कर लेना, ठीक, सिंपली जो भी आपका फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगा एंड जो है कि आपका फोटो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सपोर्ट टू सपोर्ट जान।